स्वागत है आपका POV हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कौन है वह कहानी का दूसरा पार्ट। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सुना था, शर्मा जी गुफा में दोबारा पहुंच जाते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है वह हम इस पार्ट में जानेंगे। जिन दोस्तों ने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना तो चैनल पर जाके सुन सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पार्ट की लिंक डाल दी है, वहां से भी आप सुन सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। पानी से भीगे हुए वृक्ष तेज हवा के कारण दोहरे हुए जा रहे थे। मैं लगभग घंटे भर तक दौड़ता रहा उस मूसलाधार वर्षा में। मुझे लगा अब एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल है मेरे लिए। थक कर चूर चूर हो गया था मैं। अब वर्षा धीमी होकर रुकने वाली थी। निढाल होकर मैंने बाईं तरफ की एक चट्टान थाम ली और आंखें खोलकर ध्यान से उस स्थान को देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये तो वहीं छिन्नमस्ता वाली गुफा है जहां से मैंने दौड़ना शुरू किया था। ये कैसा इंद्रजाल है भवतारिणी, कैसी माया है ये तेरी। वहम दूर करने के लिए मैंने उस जर्जर दरवाजे को खोला। संशय की कोई गुंजाइश नहीं थी। सामने भगवती छिन्नमस्ता की वही काले पत्थर की प्रतिमा मुझे चिढ़ा रही थी। मेरे हवास गुम हो गए, चेतना शून्य होकर मैं वहीं गिर पड़ा। मुझे लगा कोई मुझे झिंझोड़कर जगाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो मालती को मेरे चेहरे पर झुका पाया। गर्दन मोड़कर देखा तो मैं कैंप के अपने ही बिस्तर पर लेटा था। चकित निगाहों से मैं चारों ओर देखने लगा। आप ठीक है ना, तबीयत कैसी है अब? मालती ने मेरे चेहरे की ओर देखकर पूछना मुझे कोई जवाब न सूझा। स्मृति पर जोर डाला तो सुबह की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति एक के बाद एक घूमने लगी। मुझे याद आया कि मैं तो देवी छिन्नमस्ता की गुफा के आगे अचेत होकर गिर पड़ा था, फिर यहां कैंप में अपने बिस्तर पर कैसे पहुंचा। अपनी आंखें पुनः चारों ओर घुमाई और उठकर बैठ गया। अपने कपड़ों की ओर देखा तो कीचड़ और मिट्टी से पूरी तरह सने हुए थे। मां, मैं यहां कैसे आ गया? कौन लाया मुझे? एक साथ प्रश्न कर दिए मैंने, और कलाई घड़ी की ओर देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। आप जब काफी समय तक न लौटे तो मुझे चिंता हो गई थी, कहते हुए मालती ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, इसलिए मैं आपके पद चिन्हों का पीछा करते हुए नदी के मोड़ के पास घाटी तक पहुंच गई। वहां आपको अचेत देखकर मैं भी चिंतित हो गई। अब अकेली आपको लाती भी तो कैसे? आपको होश में लाने की कोशिश भी की पर सफल नहीं हुई। तभी वहां दो पहाड़ी चरवाहे दिख गए, उनकी सहायता से आपको यहां लेकर आई। अब आपको होश आया है? मालती ने मुझे पहले पानी पिलाया, फिर गर्म गर्म चाय दी, तब जाकर मेरी चेतना पूरी तरह लौटी। मैंने उससे कहा कि नदी पर जाकर स्नान करके आता हूं, मैं और गंदे कपड़े खंगाल कर ले आता हूं। मालती ने स्वीकृति में गर्दन को हल्की सी झुंबिश दी। मैं तौलिया और धुले कपड़े लेकर नदी की ओर चल दिया। वापस आया तो देखा शशि भी शिलोंग से आ गया है। मेरे कैंप में पहुंचने से पूर्व ही मालती ने शशि को पूरी घटना बता दी थी। शशि ने आते ही चिंतातुर स्वर में उलाहना दिया और पूछा कि अब ठीक हो ना? मैंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, और मेरे साथ घटी घटना ज्यों की त्यों बता दी। पूरी बात सुन सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, उन्होंने राहत की सांस ली। मैंने मन से मालती का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये मुझे खोज करना लाती तो उस ब्याहवन जंगल में कुछ भी अनिष्ट हो सकता था। हम बातें कर ही रहे थे तब नोगेंद्रो ने कहा, साहब खाना लगा दूं क्या? शशि ने उसे आंस्त से इशारा किया। खाना खाकर शनि मुझसे बोला, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर उस घाटी की ओर चलेंगे जहां खुदाई होनी है। ठीक है, मैंने इन जवाब दिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। मालती ने बिस्तर पर साफ धुली कठरी बिछा दी थी। मेरे मस्तिष्क में मालती को लेकर पुनः विचार आने लगे कि इसे मेरे गुफा के सामने अचेत पड़े होने का पता कैसे चला? वहां दूर दूर तक कोई चरवाहा नहीं था तो वे उसे कहां से मिले? दूसरी बात, यहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है और बारिश का मौसम है तो चरवाहे भला इतनी दूर इस भयानक जंगल में क्यों आएंगे? बारिश के बाद भला पद चिन्ह कहां से मिले होंगे इसे? तो क्या वह झूठ बोल रही थी? क्या सचमुच में वह डायन है? कीचड़ भरे जंगली रास्ते में 70 किलो के मेरे शरीर को क्या वह अकेली उठाकर लाई थी? कहीं उसमें कोई अमानवीय शक्ति तो नहीं?
उसने कहा भी था कि उसे डायन बनाया गया था। इन्हीं विचारों के जाल में उलझकर कब मेरी आंख लगी पता न चला। शशि ने मुझे आवाज दी कि उठो, अब चलते हैं और मौसम भी साफ है। मैं झटपट उठ बैठा और बाहर खड़ी गाड़ी में उसके बगल में बैठ गया। कब्रिस्तान के बगल वाले रास्ते से होकर गाड़ी आगे बढ़ने लगी। हम उसी रास्ते पर जा रहे थे जहां सुबह मैं गया था। आगे जाकर वहीं पहुंच गए जहां पहाड़ी नदी बाईं ओर मुड़ गई थी। दाहिनी ओर पर्वतों की एक लंबी कतार नजर आ रही थी। पहाड़ों से गिरते अनगिनत झरने दिख रहे थे पर गुफा एक भी नजर नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा, सुबह तो इसी स्थान पर दर्जनों गुफाएं थीं, अब एक भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहाड़ों के बगल में वही समतल घाटी थी। छिन्नमस्ता की गुफा के सामने के बड़े वृक्ष को मैंने पहचान लिया, पर गुफा और छिन्नमस्ता की प्रतिमा का कोई अता पता नहीं था। मैंने शशि और नोगेंद्रो के साथ मिलकर उस स्थान का चप्पा चप्पा छान मारा। गुफा न मिलनी थी सो नहीं मिली। नोगेंद्रो ने कहा, साहब इस जगह से मैं पहले से वाकिफ हूं, यहां दूर दूर तक कोई गुफा नहीं है। शशि ने मुझसे पूछा, क्या वास्तव में आपने गुफा और देवी की प्रतिमा देखी थी? अगर देखी थी तो मिल क्यों नहीं रही? अब मैं क्या जवाब देता? कौन मेरी बात की सच्चाई को मानता? मैं चुप्पी साध गया। मैं सोचने लगा कि गुफा और छिन्नमस्ता की विकराल मूर्ति कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं, या मैं रास्ता भटक गया था। पर ऐसा तो नहीं, मैंने स्वयं गुफा का जर्जर दरवाजा खोला था तो मेरी हथेली में उसकी लकड़ी चुभ गई थी, खून निकल आया था। वो झूठ थोड़ी था। प्रमाण के लिए मैंने अपनी दाहिनी हथेली खोलकर सीधी की तो दिमाग अंतरिक्ष में परवाज करने लगा। सचमुच हथेली के बीचों बीच कटने का एक लंबा चीरा था। मेरे मसामों ने ढेर सारा पसीना उगल दिया, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। किसी तरह घबराहट पर काबू पाया ताकि शशि को पता न चले। शशि के साथ मैं उस घाटी में उस स्थान के पास पहुंचा जहां किसी प्राचीन नगर के अवशेष बिखरे पड़े थे। घरों, दीवारों और निर्माण के भग्नावशेष चारों ओर बिखरे पड़े थे। शनि ने जेब से एक नक्शा निकाला और उस स्थान से मिलान कर पेंसिल से चिन्हित करता गया और डायरी में नोट्स लिखता रहा। पूरी घाटी में कुओं, कंकूरों, घरों और टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष दृष्टिगोचर हो रहे थे। एक स्थान पर बहुत विशाल और प्राचीन देवालय के खंडहर दिख रहे थे जो अधिकांश जमीन में दफन हो गया था। शशि ने मुझे बताया कि इस मंदिर की खुदाई से ही अगले माह कार्य आरंभ करेंगे। पूरी घाटी का अवलोकन करते हुए शशि ने अपने निकोन कैमरे से अनेक फोटो खींचे और संतुष्ट होकर नोगेंद्रों से वापस कैंप चलने को कहा। जिप्सी में सवार होकर हम वापस कैंप की ओर लौट आए। पूरे दिन घूमने के कारण थक गए थे और भूख भी लमाई थी। सोचा कैंप में जाकर नोगेंद्रों से बोलकर फटाफट खाना बनवाएंगे। दिन छिप गया था पर हल्का हल्का उजाला था। कैंप में पहुंचकर हाथ मुंह धोए ही थे कि मालती ने कहा, खाना तैयार है साहब, लगा दें क्या? मैं सोचने लगा, इसे कैसे पता कि हम खाना जल्दी खाने वाले हैं? हमारे मौन इशारे को समझ मालती ने खाना लगा दिया। पत्तल में पालक का साग देख मुझे आश्चर्य हुआ। मैं रास्ते भर मन में यही सोच रहा था कि पालक का साग मिल जाए तो भोजन का आनंद आ जाए। मेरी पसंद की सब्जी पत्तल में देख मुझे घोर अचंभा हुआ। कैंप में आलू के सिवा कोई दूसरी भाजी थी ही नहीं, फिर ये कहां से आ गई? मैंने उत्सुकतावश पूछ ही लिया, पालक कहां से लाई? ये तो अपने पास था ही नहीं। मालती ने एक बार मेरे चेहरे की ओर विचित्र निगाहों से देखा, मानो मेरे दिमाग को पढ़ रही हो, फिर बोली, कैंप के पीछे की तरफ खूब जंगली पालक उगा हुआ है, वहीं से ले आई। खाना खाने के बाद मुझे टहलने की आदत है। मैं घूमता घूमता कैंप के पीछे की ओर चल दिया। मेरे हाथ में टॉर्च थी। मैंने कैंप के पीछे का दूर दूर तक चप्पा चप्पा छान मारा। मुझे कहीं पालक उगा नजर नहीं आया। मैं मन ही मन मालती से डरने लगा और कैंप की तरफ वापस लौट आया। कैंप में घुसा ही था कि सामने ही मालती खड़ी थी। उसकी निगाहों में व्यंग्य की एक विशेष झलक एक क्षण को दिखाई दी, मानो पूछ रही हो, पालक को देखने गए थे, मिला क्या? मैंने नजरें झुका ली। शायद उस तीक्ष्ण दृष्टि का सामना करने की सामर्थ्य मुझमें नहीं थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। बार बार मालती की रहस्यमयी हरकतें स्मृति पटल पर कौंध रही थी। उठिए साहब, मालती ने आदेश भरे स्वर में कहा,
और आगे बोली, ये शरबत पी लीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी और अच्छी नींद आएगी। मैंने शशि और नोगेंद्रो की ओर देखा तो उनके हाथ में भी गिलास पकड़ा हुआ था। मैंने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप गिलास को थामा और एक ही सांस में खाली कर दिया। तब तक उसने मेरा गिलास पुनः भर दिया, मैं उसे भी पी गया। मैं भौचक्का सा देखता रहा, शरबत काफी तेज था, मेरी आंखें जलने लगी और लाल हो उठी। मेरी हालत विचित्र थी, चित्त मानो वश में न था, मन डूबता सा लगा। बाद में ऐसा लगने लगा मानो चेतना शून्य हो जाऊंगा। हुआ भी ऐसा ही, न जाने कब और किस क्षण गिर पड़ा मैं बिस्तर पर, ख्याल ही न रहा मुझे। ऐसी स्थिति तो कभी नहीं हुई मेरी। आखिर बात क्या थी, शरबत में ऐसा क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। उस स्थिति और अवस्था में मैंने अपने आप को एक अद्भुत वातावरण में पाया। सबसे पहले मुझे एक गांव दिखाई दिया, असम और अरुणाचल के सीमांत प्रदेश का कोई गांव था। गांव में थे कोई 20-25 झोंपड़े, केलों के कई बाग, गांव से थोड़ी दूर बहती हुई कोई पहाड़ी नदी, जिसकी चौड़ाई तो ज्यादा नहीं थी पर धारा तीव्र थी। नदी के किनारे एक पक्का घाट बना हुआ था जहां मछली मारने वाली कई नावें बंधी थीं। घाट से थोड़ा हटकर आंवले, जामुन और कटहल के पेड़ों का एक झुरमुट था। उन्हीं पेड़ों के झुरमुट में एक 19-20 साल का युवक बैठा था। गोरा रंग, सुगठित शरीर, घुंघराले बाल और दरमियानी कद का था। आंखें छोटी मगर चमकदार थीं। कुल मिलाकर अत्यधिक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था वहां सिल्क का कुर्ता और पायजामा पहने था। थोड़ी थोड़ी देर में सिर उठाकर सामने की ओर देख लिया करता था। उसके चेहरे के भाव और आंखों की भाषा से ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। मेरा अनुमान सत्य था, युवक वास्तव में किसी का इंतजार कर रहा था और जिसका इंतजार कर रहा था वह थी एक किशोरी। सांझ की कालिमा फैल रही थी, वातावरण में एक अद्भुत सन्नाटा छाया हुआ था। किशोरी जिसकी उम्र कोई 14-15 वर्ष से ज्यादा नहीं थी। लड़की को आते देख युवक के चेहरे पर एक चमक खिल उठी। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और लड़की की ओर बढ़ गया। लड़की ने धानी रंग का कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पायजामा पहन रखा था। उसके गोरे रंग और सुडौल देह पर कपड़े फब रहे थे। उसकी पीठ पर नागिन की तरह बालों की दो चोटियां झूल रही थीं। करीब पहुंचते ही युवक ने किशोरी के हाथ शाम लिए। मैंने लड़की का चेहरा ध्यान से देखा तो पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। ये लड़की और कोई नहीं, मालती थी, अक्षत यौवना मालती। दूसरे ही पल मुझे उसका कातर स्वर सुनाई दिया, कह रही थी, हीरेन, कल वह तांत्रिक फिर आया था। क्या कह रहा था, पूछा हीरेन ने। मालती ने डबडबाई आंखों से कहा, पैसे मांग रहा था और कह रहा था या तो उधार के पैसे लौटा दो या बदले में मेरा हाथ मांग रहा था। मैं जानती हूं उसके पैसे लौटाने की स्थिति हमारी नहीं है। किसी दिन वह नराधम तांत्रिक मुझे छीन कर ले जाएगा। वह मुझे अपनी भैरवी बनाना चाहता है ताकि अपनी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर सके। साथ ही यह अपनी वासना की पूर्ति भी करना चाहता है, वो नर पिशाच। ये कहते कहते मालती का गला भर आया और पुनः बोली, तुम बताओ हीरेन, क्या मैं भैरवी बनकर उसकी अदम्य वासना पूर्ति का पात्र बन जाऊं? बोलो, कुछ तो बोलो। मालती की बातें सुनने के बाद हीरेन निर्विकार भाव से मालती का हाथ थाम कर बोला, नहीं मालती, नहीं, मैं तुम्हें उस राक्षस के पंजे में नहीं पड़ने दूंगा। घबराओ मत, मैं शीघ्र ही रुपए का इंतजाम कर उसके मुंह पर मार दूंगा। अपनी मां से कह देना कि चिंता न करे। इसके बाद हीरेन और मालती में जो बातें हुई उससे मुझे अंदाजा हो गया कि दोनों में अगाध प्रेम है और दोनों विवाह बंधन में बंध जाना चाहते हैं। इसमें बाधक था तो तांत्रिक अघोरानंद मालती के पिता मोनोजीत चौधरी का अघोरानंद से परिचय था। एक बार बीमार पड़ने पर अघोरानंद ने कुछ रुपए उधार देकर उसकी सहायता की थी। बीमारी के कारण मोनोजीत चौधरी की असमय मृत्यु हो गई और उधार के रुपए वो चुका न सका। इस उपकार का ये परिणाम हुआ कि अघोरानंद मोनोजीत की पत्नी शोभा के घर आने लगा। उसने शोभा पर डौरे डालने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। आखिर अपने रुपए वापस देने का दबाव बनाने लगा। शोभा की माली हालत ठीक नहीं थी और अघोरानंद की आसपास में काफी ढाक थी। कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिर एक दिन अघोरानंद ने शोभा को धमकी दी कि या तो अगली दुर्गा पूजा से पहले उसके रुपए लौटा दे, नहीं तो बदले में मालती को उठाकर ले जाएगा। उस समय मालती की उम्र 14-15 साल थी।
किशोरावस्था में कदम रखा ही था उसने कि अघोरानंद की कलुषित दृष्टि उस पर पड़ गई। अघोरानंद जानता था कि शोभा उसके रुपए कभी नहीं लौटा पाएगी और मालती अपना सर्वस्व उसे किसी भी हालत में न सौंपेगी। जबरदस्ती वह करना नहीं चाहता था, इसलिए बार बार आकर रुपए का तकाजा करने लग गया। एक दिन तो उसने कह ही दिया कि मालती को उसके साथ भेज दे, वह उसे भैरवी बनाकर ऐसी तांत्रिक सिद्धियों में निपुण कर देगा कि उसके लिए कुछ भी असंभव न होगा, उसकी शादी की भी कोई चिंता न होगी। तांत्रिक की बातें सुनकर एक बार तो क्रोध से तिलमिला गई शोभा, पर उस नराधम के आगे क्या करती, सब उससे डरते थे, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मालती और शोभा उस रात खूब रोई, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। अब मेरे सामने दूसरा दृश्य था। जंगल में एक पहाड़ी नदी थी जिसके सामने एक लंबी चौड़ी घाटी, फिर पर्वतों की एक लंबी कतार, उन पर्वतों में एक विशाल भवन का बड़ा प्रवेश द्वार नजर आ रहा था जो किसी प्राचीन मठ का लग रहा था। पहाड़ को काटकर यह मठ बनाया गया था। मठ के अंदर बाई तरह कक्षों की एक लंबी कतार थी, सामने काफी लंबा चौड़ा दालान था। एक विशाल कमरे में बहुत तीव्र प्रकाश हो रहा था। कमरे के एक कोने में एक बड़ा पलंग बिछा था जिस पर लाल रंग की रेशमी चादर बिछी थी। सामने महाकाली की एक आदमकद प्रतिमा थी। प्रतिमा के नीचे पंचमुखी दीपक दीपाधार पर जल रहा था। उसके पास एक पूजा की चांदी की थाली रखी थी जिसमें अनेक प्रकार की सामग्री थी। प्रतिमा के ठीक सामने एक हवन कुंड बना हुआ था जिसमें से धुएं की बारीक लकीरें निकलकर वातावरण को सुगंधित कर रही थी। तभी मेरी नजर एक भीमकाय व्यक्ति पर पड़ी। काफी मोटा ताजा और पेट बाहर निकला हुआ था, सिर और दाढ़ी सफाचट थे। वेशभूषा से वह कोई तांत्रिक सन्यासी लग रहा था। उसकी आंखें लाल गूलर के फूल जैसी हो रही थीं, मानो उसने आकंठ मदिरा पी रखी हो। देखने में उसकी उम्र 50-55 की लग रही थी। सन्यासी जैसा वह व्यक्ति बेचैनी से बाहर टहल रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में सिर उठाकर मठ के प्रवेश द्वार की ओर देख लेता, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी अचानक बाहर कुछ शोर सा सुनाई दिया। उधर देखा तो 4-5 लोग एक लड़की को पकड़े हुए मठ के अंदर ला रहे थे। उन लोगों के हाथों में लाठियां थीं और तांत्रिकों जैसे कपड़े पहन रखे थे। लड़की अपने आप को उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और रोए जा रही थी। लड़की के मुंह और शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, कहीं कहीं से खून भी रिस रहा था। मैंने ध्यान से लड़की के चेहरे को देखा। देखते ही मुझे उसे पहचानने में कोई भूल नहीं हुई, वह मालती थी। मालती को देख मठ में टहल रहा सन्यासी खुश होकर हो होकर हंसने लगा। समझते देर नहीं लगी मुझे, ये तांत्रिक अघोरानंद ही था। अघोरानंद के आदेश पर वे व्यक्ति मालती को एक कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद जब मालती उस कमरे से बाहर निकली तो एक बारगी पहचान न पाया मैं उसे। उसकी मुखमुद्रा गंभीर थी, लाल रेशमी साड़ी पहने शुष्ट लल्लाट पर सिंदूर का गोल टीका, चेहरा एक अनिर्वचनीय आभा से दम दप कर रहा था। माणिक और स्फटिक की अनेक मालाएं उसके गले में झूल रही थीं। आंखें किसी नशे के कारण अधमुंदी लग रही थीं। धीरे धीरे पग उठाती हुई वह मंदिर वाले कमरे की ओर जा रही थी। आश्चर्य से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं सोचने लगा, हे भगवान, वेशभूषा चाल ढाल व्यवहार में अचानक इतना परिवर्तन कैसे? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अवाक और भौचक्का सा देखता जा रहा था मालती की ओर। मालती कोई देवलोक से उतरी अप्सरा सी दिख रही थी। मैं अपलक देखता रहा। अब मालती पूर्ण नग्नावस्था में मां भगवती की प्रतिमा के आगे आसन पर बैठी थी, नजर आ रही थी। पास में बैठा था तांत्रिक अघोरानंद, मंत्रोच्चार के साथ तरह तरह की वस्तुओं की आहुतियां देता जा रहा था। मालती के प्रत्येक अंग प्रत्यंग की पूजा की जा रही थी। हवन कुंड के पास चांदी का एक नक्काशीदार पात्र रखा था जिसमें मदिरा भरी हुई थी। तांत्रिक ने मदिरा पात्र उठाया और मालती के होठों से लगा दिया। मालती ने एक ही सांस में पूरी मदिरा गटक ली। पीते ही पूरा मुखमंडल लाल हो उठा उसका और एक दैवीय कांति और ओज से चेहरा चमकने लगा। उसके पूरे चेहरे पर लावण्य के कण कण बिखर गए। अघोरानंद ने मालती को अपनी साधन पीठिका बना लिया था। उसका संकल्प और साधना पूर्णता की ओर अग्रसर थी, क्योंकि युवावस्था में पदार्पण करती एक किशोरी अक्षत यौवना उसे मिल गई थी। यौवन की ओर पग बढ़ाती मालती की कामना वासना साधना की बलिवेदी पर पदार्पण करने जा रही थी। आज एक अबोध सुंदरी ने अपनी आशाओं अभिलाषाओं के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था
उस तांत्रिक अघोरानंद के आगे उसके जाल में फंसकर रात्रि का अंतिम पहर चल रहा था। देवी की प्रतिमा के आगे प्रज्वलित दीपकों की लौ मंद हो गई थी। मालती को भैरवी बनाने की क्रियाएं पूर्णता की ओर अग्रसर थीं। मालती को अपनी अंकशायिनी बनाकर पूर्ण रूपेण भैरवी का दर्जा मिलने वाला था। पूजा पूर्ण होते ही अघोरानंद ने मालती का हाथ पकड़ा और मंदिर वाले कक्ष की ओर चला। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया उसने। अचानक दूर से मुझे हीरेन आता दिखाई दिया। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक पोटली पकड़ रखी थी जिसमें शायद रुपए थे। हीरेन दौड़ते हुए अंदर आया और जोर जोर से लगा बोलने, मालती मालती कहां हो तुम? देखो मैं रुपए ले आया। ये कहकर हीरेन मंदिर वाले दरवाजे के पास पहुंचा और आतुर होकर दरवाजा खटखटाने लगा। क्रोध में भरकर हीरेन ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा टूटकर एक ओर झूल गया। दरवाजे के अंदर से मालती तो नहीं निकली, पर आंखें मलते हुए अघोरानंद बाहर निकला। हीरेन ने दहाड़ते हुए कहा, मालती कहां है? ये लो तुम्हारे रुपए और मालती को मेरे हवाले करो। मालती यहीं है, मगर अब तुम उससे नहीं मिल सकते, बोला अघोरानंद। क्यों? चीख पड़ा हीरेन। इसलिए कि मालती पर अब मेरा अधिकार है, वो मेरी भैरवी बन चुकी है, मां भगवती इसकी साक्षी है। भूल जाओ मालती को, बोला अघोरानंद। ऐसा नहीं हो सकता, कहकर हीरेन ने जबरदस्ती कक्ष में घुसने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने खट का एक भरपूर वार हीरेन की पीठ पर किया। तड़प कर हीरन नीचे जमीन पर गिर पड़ा। स्वतः खून का रेला बह निकला। उसके हाथ से रुपए की पोटली गिर गई और रुपए चारों तरफ बिखर गए। जिस समय यह लोमहर्षक घटना घटी, मुझे एक तगड़ा झटका सा लगा और मेरी आंखें खुल गई। मैं चीख पड़ा, मालती! देखा, मुझ पर झुकी हुई मालती मुस्कुरा रही थी। आश्चर्य के सागर में गोते लगता मैं उठ बैठा। चारों तरफ नजर घुमाई तो मैं कैंप में अपने ही बिस्तर पर ही था। मैं धीरे से बोला, यह सब क्या था मालती? मालती की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई और उसके स्थान पर गहन उदासी और दुख के भाव आ गए। वो बोली, आपने मेरे अतीत की कहानी जाननी चाही थी ना? मैं समझ गया, मालती ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर अपना मुंह दिखा दिया था। मैं बोला, अतीत फिर तुम्हारी इतनी दयनीय हालत क्यों हो गई मालती? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मालती ने अपने रुंधे गले और सिसकते स्वर में जो कुछ बताया, उसे सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। उसकी दुख भरी कहानी से एक और उसकी अघोर शक्ति का अनुभव हुआ। मुझे दूसरी ओर मेरी आत्मा गहराई तक द्रवित हो उठी और करुणा से भर गया मेरा मन। पूरे एक युग अर्थात 12 वर्ष तक भैरवी बनकर रही थी मालती उस तांत्रिक के साथ। इस दौरान मालती को अनेक तामसिक सिद्धियां प्राप्त हुई थीं अघोरानंद के सान्निध्य में। इन 12 वर्षों में दो बच्चों की मां भी बनी मालती, पर उस दुष्ट अघोरानंद ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और अपनी सिद्धियों के लालच के वशीभूत उन दोनों बच्चों की बलि चढ़ाकर उनकी आत्माओं को सिद्ध कर अपने वश में कर लिया। अघोरानंद उनसे अपने मनचाहे काम करवाने लगा। अपने बच्चों की बलि चढ़ते देख क्रोध घृणा और क्षोभ से पागल हो गई मालती। कौन ऐसी मां होगी दुनिया में जो अपने शिशुओं को अपनी आंखों के सामने सर्वस्व बलिदान होते देख पागल ना हो जाए। मालती ने आंसुओं से सराबोर चेहरे को ऊपर उठाया और बोली, साहब ऐसी तांत्रिक और अलौकिक शक्तियों का क्या फायदा जो मन और आत्मा की शांति छीन ले। दुष्ट अघोरानंद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, न तो मैं किसी की पत्नी बन सकी ना ही मां। मैं हीरेन को आत्मा की गहराई से चाहती थी, उससे शादी करने वाली थी, मेरे लिए वो ही सब कुछ था। उसकी याद में कभी कभी आज भी डूब जाती हूं। उसने अपनी जान तक गंवा दी मेरे लिए, पर मैं कुछ नहीं कर सकी साहब, कहकर मालती एक क्षण के लिए रुकी और पुनः बोली, एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अपना सर्वस्व लुटाकर सब कुछ गंवाकर अंधकार में भटक रही हूं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूं। पीड़ा और दुख के असीम भाव उसके चेहरे पर नुमाया हो रहे थे। मैंने उत्सुकतावश पूछ ही लिया, अघोरानंद का क्या हुआ फिर? वही जो अमूमन ऐसी तामसिक सिद्धियां प्राप्त करने वाले का होता है, नरक में भी जगह नहीं मिलती ऐसे दुष्टों को, कहकर मालती एक क्षण के लिए रुकी और घृणा भरे स्वर में बोली, मेरे दोनों बच्चों की सिद्ध आत्माओं ने अपनी बलि का बदला ले लिया उससे। बदला भी ऐसा कि देखने और सुनने वाले की रूह कांप उठे। एक सुबह मैंने देखा अपने कमरे में मरा पड़ा था वो नरपिशाच, बहुत घृणित तरीके से मारा गया था उसे। उसकी दोनों आंखें कटोरियों से बाहर निकली पड़ी थीं।
पूरी की पूरी कटी जीभ छाती पर और पूरे शरीर में अगणित घाव जो मवाद से भरे थे और गला हुआ शरीर भयंकर बदबू मार रहा था। मगर साहब, बदला लेने के बावजूद मेरे बच्चों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। आज भी वे दोनों बराबर मेरे साथ रहती हैं। तुम्हारे साथ? मैं आश्चर्य भरे स्वर में बोला। हां साहब, वे हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं, कहां मालती ने। तभी मैंने अचानक देखा कि मालती के चारों ओर कुहासे की सी अस्पष्ट आकृतियां चक्कर लगाने लगी। चक्कर लगाते लगाते उनका आकार स्पष्ट होता जा रहा था। भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सारे शरीर में एक सहरन सी दौड़ गई। मैं सोचने लगा, कैसी हैं ये छायाएं, कौन है इनके रूप में। मैं कुछ और सोचता इससे पहले ही मालती बोल पड़ी, साहब घबराए नहीं, ये मेरे बच्चों की आत्माएं हैं। जब भी इनके बारे में सोचती हूं या याद करती हूं कभी, उसी वक्त मेरे पास आ जाती हैं। शशि और नोगेंद्रो एकटक कभी मालती की ओर कभी मेरी ओर देखे जा रहे थे। नोगेंद्रो ने नाश्ते के बारे में शशि से पूछा। उससे पहले ही मालती ने हाथ से कुछ अजीब सा इशारा किया। तत्क्षण फलों और मिठाइयों से भरी टोकरी हाजिर हो गई। हम सभी मुंह बाएं इस चमत्कार को देख अचंभित हो गए। कैसे और कहां से आया ये सामान? मालती बोली, मेरे बच्चों की आत्माएं लाई हैं, ये सब सामान उन्हीं का चमत्कार है। देखते ही देखते चक्कर लगाती हुई आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गई। मैं मालती का मुंह ताकता रह गया। उसके चेहरे पर वात्सल्य के भाव उभर आए। बहुत देर तक भावनाओं और विचारों के जाल में उलझी रही वो। जब उसकी तंद्रा टूटी तो मैंने देखा उसका चेहरा आंसुओं से सराबोर था। शनि का काम भी खत्म हो गया था। अब अगले महीने जब तक खुदाई शुरू न हो जाए तब तक कोई काम न था। शशि ने नोगेंद्रो से सामान पैक करने को कहा तो वो बोला, साहब सब पैक करके गाड़ी में रख दिया है। हम वहां से रवाना होने वाले ही थे कि मैंने मालती से कहा, तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो, तुम जहां कहोगी छोड़ देंगे। मालती ने मना कर दिया। मैं शनि के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ और मालती की ओर देखा तो उसका चेहरा सपाट और भावहीन था। इस घटना के 20 वर्ष बाद मैं अपने एक हमउम्र और रिश्ते में मामा श्याम के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। हम कर्नाटक एक्सप्रेस से बैंगलोर जा रहे थे। रात के 9 बजे थे। मैं प्लेटफार्म पर एक बुक स्टॉल पर खड़ा था। तभी मुझे 40-45 वर्ष के पेटे में पहुंची एक औरत दिखाई दी जो संभ्रांत परिवार की लग रही थी। उसकी देहयष्टि सुडौल और सुंदर थी। वो भी उसी स्टॉल पर खड़ी थी। मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो कुछ परिचित सा लगा, पर याद नहीं आया कि उसे कहां देखा था। उस औरत ने मेरी तरफ एक परिचित निगाह डाली और मुस्कुराकर बोली, पहचाना मुझे? उसके इतना बोलते ही उसकी आवाज में पहचान गया। ये तो मालती थी। मेरा मस्तिष्क 20 वर्ष पहले की यादों में खो गया और शिलोंग के पास पुरातत्व के अवशेष और उससे जुड़ी सभी यादें चलचित्र की तरह दिमाग में चलने लगी। मैंने कहा, मालती तुम इतने वर्षों बाद अचानक? उसने कहा, अब मैं कलकत्ता रहने लग गई हूं। आपने जो उपकार उस समय किया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। क्या दूं उन उपकारों के बदले आपको? उसने कहा और अपना कलकत्ता का पता मुझे लिख कर दिया और पुनः बोली, कलकत्ता कभी आना हो तो जरूर मिलिएगा। फिर आगे बोली, मेरे दोनों बच्चों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय करें। अब आप ही बताएं मैं भला कैसे मुक्ति दिला सकूंगा उन आत्माओं को। वैसे भी दर्जनों आत्माओं के चक्कर में फंसा हुआ हूं मैं। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको इस कहानी के दोनों पार्ट कैसे लगे कमेंट जरूर करें और साथ में बताएं आप हमारी कहानियां कहां से सुनते हैं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। अगर आपको और भी ऐसी ही रहस्यमय कहानियां सुनना है तो आप हमारे चैनल पर जाके सुन सकते हैं और आपको इस वीडियो की स्क्रीन पर कुछ कहानियां दिख रही होंगी, वहां से भी आप हमारी कहानियां सुन सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।